हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धवल रावल और आप देख रहे हैं द बेस्ट प्रोजेक्ट मेकर चैनल। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एक ज़बरदस्त प्रोजेक्ट जिसका नाम है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लान। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इधर रिसीविंग टैंक दिया हो जिसके लिए मैंने प्लास्टिक का डिब्बा यूज़ किया हो। उसके बाद दूसरा है स्क्रीनिंग एंड ग्रिड चैम्बर जो भी प्लास्टिक के डिब्बे से बना हुआ है। उसके बाद आ रहा है स्कीमिंग टैंक जिसके अंदर भी मैंने प्लास्टिक का डिब्बा यूज़ किया है। उसके बाद आता है फोर्थ नंबर का टैंक जिसका नाम है प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। उसके बाद मैंने बनाया है एरिएशन टैंक जिसके ऊपर मैंने मोटर भी लगाया है। मोटर के नीचे एक छोटा सा प्रोपेलर है जिसके अंदर से हवा इसके अंदर दाखिल होती है। उसके बाद आता है सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक जिसके अंदर पानी का फ्लो होता है और जो मैंने पानी के बॉटल से बनाया हुआ है। उसके बाद इधर आ रहा है फिल्ट्रेशन चैम्बर। फिल्ट्रेशन चैम्बर के अंदर मैंने एक फ़िल्टर काट के लगाया हुआ है, आप देख सकते हो। उसके बाद आ रहा है डिसइंफेक्शन चैम्बर जो मैंने एक सिंपल बॉक्स से बनाया हुआ है, इसके ऊपर एक थर्मोकोल लगाया हुआ है। फाइनल इधर आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन चैम्बर जिसके अंदर पानी स्टोरेज होता है। तो चलिए दोस्तों इसका वर्किंग वीडियो हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इधर मोटर स्टार्ट कर दिया है, आप देख सकते हो। सबमर्सिबल पंप से पौंड का सारा पानी पाइपलाइन के थ्रू रिसीविंग टैंक के अंदर जा रहा है, आप देख पा रहे हो। इसी हिसाब से रिसीविंग टैंक के अंदर सारा पानी एकत्र हो रहा है। ये पानी सीवेज का पानी होता है जो बहुत ही गंदा होता है। उसके बाद सेकंड स्टेज में हम चलते हैं स्किनिंग एंड ग्रिड चैम्बर। आप देख सकते हो यहाँ पे एक जाली लगी हुई है। तो जाली के अंदर जो बड़ा बड़ा कचरा हमारा रहता है जैसे कि पानी की बोतल, प्लास्टिक, लकड़ा, कूड़ा कचरा, वो सब इस टेस्ट के अंदर साफ हो जाता है। उसके बाद जो पानी निकलता है वो जाता है हमारा सेकंड स्टेज के अंदर जिसका नाम है स्किनिंग टैंक। इसके अंदर बेसिकली जो पानी के अंदर ऑयल्स और ग्रीस रहते हैं वो अलग होते हैं। उसके बाद हम चलते हैं तीसरे टैंक की तरफ। तीसरा जो हमारा टैंक है वो बेसिकली प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक है जिसके अंदर जो बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से बैठ जाते हैं पानी के नीचे, और ऊपर का जो साफ पानी होता है वो एरिएशन टैंक के अंदर आ जाता है। एरिएशन टैंक के अंदर हवा का फ्लो होता है जिसके कारण बबल्स फॉर्म जनरेट होता है और फॉग जनरेट होता है। आप देख सकते हो कि फैन इसके अंदर स्टार्ट है जिससे इसके अंदर हवा फ्लो हो रही है। इसका बेसिकली फ़ायदा वो है कि पानी के अंदर का बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक मटेरियल्स रिमूव हो जाता है। उसके बाद हम चलते हैं सेकेंडरी एरिएशन टैंक के अंदर। यहाँ पे बेसिकली एकदम माइक्रोन के अंदर जो कचरा होता है पानी के अंदर वो एकदम क्लीन होता है जो सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में नहीं हो पाता। उसके बाद हम चलते हैं फिल्ट्रेशन यूनिट की तरफ। फिल्ट्रेशन चैम्बर में आप देख पाते हो कि इधर एकदम 5 माइक्रोन का छोटा सा फिल्ट्रेशन सिस्टम लगाया है जिससे पानी एकदम प्रॉपरली वे में क्लीन होता है। उसके बाद हमारा फाइनली जो है डिसइंफेक्शन चैम्बर जिसका फ़ायदा बेसिकली वो है कि पानी के अंदर जो बैक्टीरियास और एकदम छोटे छोटे सूक्ष्म बैक्टीरियास रहते हैं वो इधर क्लीन होते हैं और फाइनली पीने लायक पानी हमको मिलता है। डिस्ट्रीब्यूशन चैम्बर में आप देख पाते हो उसी हिसाब से पानी स्टोरेज हो रहा है और ये पानी हम यूज़ करने के लिए घर पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या किसी और पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैंने ये पानी पौंड के अंदर रिसाइकल कर दिया है जिससे पानी का सर्कुलेशन पूरे प्रोजेक्ट के अंदर होता रहता है। तो आप चाहो तो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन भी सेट कर सकते हो। साथ साथ यहाँ पर कंट्रोल रूम और लैब भी प्रोवाइड की है मैंने। कंट्रोल रूम इसके लिए प्रोवाइड की है कि इतनी सारी सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए एक कंट्रोल पैनल रूम चाहिए जो कंट्रोल रूम से कंट्रोल होता है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक लैब भी दी हुई है। लेबोरेटरी का बेसिकली काम वो होता है कि जो ये पूरे प्लांट के अंदर से पानी निकल रहा है वो पानी कितना शुद्ध है उसका टेस्टिंग होता है और ये रियल में ह्यूमन के लिए पीने लायक है कि नहीं है उसका टेस्ट होने के बाद ही यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो पूरा वर्किंग मॉडल आपके सामने है दोस्तों, आप देख सकते हो पूरा वर्किंग इसका स्टार्ट है। बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है अगर आप स्कूल के साइंस फेयर में बनाना चाहते हो तो।
और प्लीज़ दोस्तों, ये हमारा वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़ दोस्तों।